गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, मिस्टर हैप्पी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर कर्टेसी से संबंधित कुछ सेंटेंस बताइए और ये समझाइए कि कर्टेसी का इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे और ये काफी इस्तेमाल किया जाता है बातचीत में। मोस्टली हम लोग ऐसा वर्ड सुनते हैं, कर्टेसी नाम का वर्ड सुनते हैं, तो आखिर ये कर्टेसी होता क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे और इसका इंग्लिश स्पोकन में क्या रोल है। तो मिस्टर हैप्पी और मैं बाकी व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे, अंत तक देखेंगे और एक एक बात को समझेंगे और सेंटेंस मेकिंग को समझेंगे, उसकी बनावट को समझेंगे और अगले बार इसको बोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन पूरा अभ्यास करने के बाद, पूरा समझने के बाद। तो दोस्तों चालू करते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पोकन में मोस्टली इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि दोस्तों शिष्टाचार का बहुत महत्व है स्पीकिंग में। हर भाषा में शिष्टाचार का महत्व होता है, उसी श्रेणी में कर्टेसी भी एक शिष्टाचार का अंग है। तो चालू करते हैं। लिखा हुआ है कर्टेसी। कर्टेसी का मतलब होता है जो शिष्टाचार है, नम्रता है, सुशीलता है, सौजन्य है, शालीनता है या कृपा है। हिंदी में इसको इतने अर्थों से जान सकते हैं हम लोग, यानी किसी ने हमारा कोई काम कर दिया तो हम उसको जो थैंक यू कहते हैं वो एक प्रकार का कर्टेसी है। हमारी वजह से किसी को तकलीफ हुई तो हम लोग जो सॉरी कहते हैं वो एक प्रकार की कर्टेसी है। तो ये शालीनता है, एक शिष्टाचार है, एक तरीका है, एक विनम्रता है, एक दया है। ये सारी बातें हम लोग समझ सकते हैं कि किसी के बारे में हम लोग जो अपने भाव व्यक्त करते हैं, जो खुशी का भाव या एक दया का भाव या फिर अफसोस का भाव, ये कर्टेसी के अंतर्गत आता है। तो इसको हम लोग अगर अंग्रेजी में समझे तो हम लोग इसको मानेंगे शोइंग पोलाइटनेस, गुड मैनर्स, रेस्पेक्ट, काइंडनेस, पोलाइट गेस्चर और रिमार्क। पोलाइट गेस्चर और रिमार्क, तो सामने वाले के प्रति हम लोग जो गेस्चर, पोलाइट गेस्चर जो हम लोग शो करते हैं, अपनी चेहरे में जो मुस्कुराहट लाते हैं या और किसी प्रकार की का काम करते हैं, जरूरी कि बोल के बताएं, तो हम लोग का जो गेस्चर, पोलाइट गेस्चर भी एक प्रकार का कर्टेसी माना जाएगा। तो इसके बहुत सारे सेंटेंस हैं, लेते हैं, समझते हैं, इस सेंटेंस को अच्छे से ध्यान देंगे क्योंकि इसका मैंने हिंदी नहीं लिखा है, मैं हिंदी इसको बोल के बताऊंगा, तो आपको समझना है, टेंसेस का ध्यान रखते हुए समझना है। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो यू सैड थैंक यू एज ए कर्टेसी। मेरे वीडियो को देखने के बाद आपने जो थैंक यू कहा यह एक कर्टेसी है क्योंकि मैंने आपके लिए मेहनत की, मैंने आपका काम किया, तो आप मुझे जो थैंक यू कहते हैं ये कर्टेसी है, एक शिष्टाचार है। और आई एम श्योर आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो यू विल श्योरली से थैंक यू वेरी मच। यस, ये एक प्रकार का कर्टेसी दोस्तों। यस, बट वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनी थैंक यू और एनी काइंड ऑफ सच हेल्प। हमें इस प्रकार के थैंक यू और इस प्रकार के हेल्प की उम्मीद नहीं रखना चाहिए। सामने वाला दे रहा है तो उसको बिल्कुल सहज रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए, अलग बात है, लेकिन एक्सपेक्ट तो करना ही नहीं चाहिए। हमें अपना अच्छा काम करते रहना चाहिए, अच्छा काम, और अच्छा काम कभी भी बेकार नहीं जाता है, उसका हमें फायदा मिलता ही मिलता है आगे जाके। ओके, नेक्स्ट, वी शुड ट्रीट एवरीबॉडी विथ कर्टेसी एंड ह्यूमर। हमें हर किसी के साथ कर्टेसी, शालीनता के साथ व्यवहार करना चाहिए। हमें हर किसी के साथ शालीनता के साथ व्यवहार करना चाहिए, ह्यूमर के साथ व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट, वी शुड पे कर्टेसी विजिट टू आवर नेबर्स। हमें अपने नेबर के पास, नेबर से एक सौजन्य भेंट होनी चाहिए, एक कर्टेसी विजिट। वी शुड पे कर्टेसी विजिट टू आवर नेबर्स, सौजन्य भेंट बीच बीच में उनके पास मिलने जाते रहना चाहिए, उनसे पूछ परख करते रहना चाहिए, उनसे बातचीत करते रहना चाहिए। उसको कहते हैं कर्टेसी विजिट टू आवर नेबर्स। अभी भी मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट मुझसे मिलने आते हैं, वो एक प्रकार का कर्टेसी विजिट माना जाता है। हम लोग किसी के घर चले आते हैं मिलने के लिए, ऐसी बैठक के लिए, तो उसको कर्टेसी विजिट कहते हैं। या तो हमें जो हमारे पड़ोस में जो नेबर रहते हैं उनसे भी कर्टेसी विजिट होनी चाहिए क्योंकि आजकल तो दोस्त हमारे बाजू में कौन रहता है ये भी हमें पता नहीं होता है, इतने बिजी हो गए हम लोग। या सेंटेंस कह रहा है, फिर आप समय निकाल के कर्टेसी विजिट देते रहें। प्लीज शो हर कर्टेसी ऑन माय अब्सेंस और प्रेजेंस। आपके घर में आपकी कोई फ्रेंड आने वाली है तो
तो आप अपने परिवार वालों से कह सकते हैं कि प्लीज शो हर कर्टेसी, कृपया उसे कर्टेसी शो करेंगे, उसे पोलाइटनेस शो करेंगे, काइंडनेस शो करेंगे, एक अच्छा व्यवहार शो करेंगे उसके सामने, मेरे न रहते हुए या मेरे रहते हुए, ऑन माई अब्सेंस, मेरी अनुपस्थिति में या मेरी उपस्थिति में। कई बार अपनी उपस्थिति में भी अपने घर वाले या अपने घर का कोई भाई बहन मम्मी पापा कुछ ऐसी बात कह देते हैं जिससे वो आपकी जो शी फ्रेंड है वो हर्ट हो सकती है और मामला बिगड़ सकता है। इसलिए उन्होंने पहले आगाह कर दिया कि मम्मी पापा और मेरे परिवार के सारे सदस्य, प्लीज शो हर कर्टेसी ऑन माई अब्सेंस या प्रेजेंस। या इफ यू हैव मेड अ मिस्टेक, अगर तुमने गलती की है, यू शुड हैव कर्टेसी टू से सॉरी। तो तुम्हें सॉरी कहने की शालीनता होनी चाहिए। इफ यू हैव मेड अ मिस्टेक, यू शुड हैव कर्टेसी टू से सॉरी। अगर तुमने कोई गलती की है तो तुम्हें सॉरी कहने की शालीनता होनी चाहिए, तुम्हें इतनी समझ होनी चाहिए कि तुम सॉरी कहो, नहीं तो अकड़ू बन के रहोगे तो मतलब क्या रहेगा। यस, ये कर्टेसी है, एक मैनर्स है ये। इट इज जस्ट अ कर्टेसी विजिट, यह केवल सौजन्य भेंट है। आप किसी के घर में गए, उसने पूछा कि भाई कैसे आना हुआ, तो आप कह सकते हैं इट्स जस्ट कर्टेसी विजिट, यह केवल सौजन्य भेंट है। ऐसी आ गया, आपकी पूछ परख करने आ गया, बहुत दिनों से आपकी याद आ रही थी तो मैं आ गया, इट्स जस्ट कर्टेसी विजिट कह सकते हैं। आई शोड हर सम कर्टेसी बट शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, मैंने उसे कुछ कर्टेसी शो किए, कुछ ऐसी बात शो की, कुछ आप इसको हिंदी में कैसे समझाऊं, आई शोड हर सम कर्टेसी बट शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, मैंने कुछ क्या बोलूं, कुछ मैनर्स शो किए, कुछ अच्छी बातें शो की, कुछ अच्छी बातें उसके सामने पेश की, या कुछ अच्छे तरीके से पेश आया, मैं उसके सामने अच्छे तरीके से पेश आया, कुछ शालीनता, कुछ सुशीलता, कुछ कृपा मैंने दिखाई, मैंने उसके सामने कुछ कृपा दिखाई, पर उसने मुझे भाव नहीं दिया, उसने मुझे कोई भाव नहीं दिया। कई बार इसका हिंदी बता पाना बड़ा मुश्किल होता है, आप समझ जाइए, मैंने कुछ कर्टेसी शो की थी, लेकिन उसने मुझे भाव नहीं दिया, बहुत दुख की बात है, मुझे उसने भाव नहीं दिया, मुझे बड़ा दुख हुआ। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, वी वेलकम आवर गेस्ट, हमें अपने मेहमानों का स्वागत करना चाहिए विद यूजुअल कर्टेसी। वी शुड वेलकम आवर गेस्ट विद यूजुअल कर्टेसी, हमें अपने मेहमानों का कुछ पारंपरिक कर्टेसी के साथ, कुछ पारंपरिक मैनर्स के साथ, तौर तरीकों के साथ हमें उनका स्वागत करना चाहिए। जैसे नमस्ते अंकल, आइए बैठिए, अभी मेरी मम्मी नहीं है, इस प्रकार की जो यूजुअल कर्टेसी होती है वो हमें उनके सामने रखनी चाहिए। ओके, आई ट्रीटेड एवरीबडी विद ग्रेट कर्टेसी ऑन मैरिज, मैंने शादी में सबके साथ अच्छा व्यवहार किया, यही होगा। यस, आई ट्रीटेड एवरीबडी विद ग्रेट कर्टेसी ऑन मैरिज, मैंने शादी में सबके साथ अच्छा व्यवहार किया, बहुत अच्छा व्यवहार किया, अ ग्रेट कर्टेसी। या देखिए, I was not treated with courtesy and hospitality. मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, मेरे साथ शालीनता के साथ व्यवहार नहीं किया गया, नहीं मुझे मेहमान नवाजी दिखाई गई। I was not treated with courtesy, मेरे साथ शालीनता के साथ व्यवहार नहीं किया गया और मेहमान नवाजी भी नहीं दिखाई गई। इस प्रकार से समझ सकते हैं, हिंदी सेंटेंस में थोड़ा आगे पीछे हो रहे हैं, आप उसको समझ जाइए, उसकी भावनाओं को समझिएगा दोस्तों। कई बार क्या है कि उसका एग्जैक्ट हिंदी निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो प्लीज समझ जाइएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। यस, ओके, बिकॉज वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ आर डिफरेंट लैंग्वेजेस, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, इसका अर्थ क्या हमें निकालना पड़ेगा। एज ए कर्टेसी वी विल रिप्लाई, एज ए कर्टेसी वी विल रिप्लाई वेरी सून, शिष्टाचार के रूप में हम तुम्हें बहुत जल्दी जवाब देंगे। एज ए कर्टेसी, एज ए कर्टेसी एक मैनर्स है, एज मैनर्स वी विल रिप्लाई टू यू वेरी सून, एज ए कर्टेसी यू विल अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स,
कर्टिसी के रूप में आप मेरी फीलिंग्स को समझ जाइएगा कि मैं कहना क्या जा रहा हूं. अ कर्टिसी कार इज ऑल्सो अवेलेबल हियर. अ कर्टिसी कार का मतलब ये होता है, हम लोग कहीं जाते हैं कुछ मॉल में या कहीं जगह पर किसी सेंचुरी में, चिड़ियाघर में, जू में, तो वहां पर बहुत बड़ा है, तो हमने जो पैसा खर्च किया है तो हमको एक फ्री में कार भी उपलब्ध कराई जाती है, उसको कर्टिसी कार कहते हैं, कर्टिसी राइड कहते हैं, ताकि हम वहां बैठकर जा सकते हैं. जैसे एयरपोर्ट में भी हम लोग देखते हैं कर्टिसी कार होती है, जिसमें बैठकर एयरपोर्ट काफी बड़ा है, लंबा है, बाहर आने में समय लग रहा है, तो कर्टिसी कार का इस्तेमाल करके हम लोग बाहर तक आ सकते हैं, उसको कर्टिसी कार कहते हैं. अ कैमल राइड इज फ्री एज अ कर्टिसी. कैमल राइड फ्री है अगर आपने उसके पहले पैसा भर दिया है, पैसा जमा कर दिया है, तो कहा जाता है कैमल राइड इज फ्री एज अ कर्टिसी. That's all, दोस्तों धन्यवाद. मुझे उम्मीद है आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही काम का टॉपिक है. स्पीकिंग करते समय मोस्टली कर्टेसी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. मिस्टर हैप्पी, मैं फिर से आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा एज ए कर्टेसी कि आपने मुझे इस प्रकार का टॉपिक याद दिलाया और मैं बनाने को बाध्य हुआ. धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच. मेरे वीडियो में इसी प्रकार बने रहें और इसी प्रकार आप मुझसे क्वेश्चन करते रहें. दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. तो मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपको बहुत ही शानदार लगा होगा, बहुत ही जानदार टॉपिक है. मोस्टली स्पोकन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी प्रकार के और नए नए टॉपिक के बारे में आप मुझसे क्वेश्चन किया करें, जिससे मैं उसका वीडियो बनाऊं और हर किसी को इसका फायदा मिल सके. तो धन्यवाद दोस्तों मेरे चैनल, मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए. बहुत मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ और आपके डाउट के साथ. धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू.